वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम ये देखिए ड्यूक 200 है, इसका हम इंजन ओपन करने जा रहे हैं। तो क्योंकि पहले हम इसको खोल चुके हैं तो मैंने बोला क्यों ना इसका वीडियो भी बनाता हूँ, दिखाता हूँ इसमें कि हुआ क्या। क्योंकि इसके इंजन में ना वाटर पम्प की जो सील होती है उसके लीक होने के कारण इसमें पानी जा रहा है इंजन में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पानी की वीडियो में आपको शूट कर रखा हूँ वो पहले दिखा दूँगा मैं आपको कि और पानी की कैसे कितना पानी निकला इंजन में। और चलिए ज़रा खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। ड्यूक 200 का पहले भी इंजन कर चुका है लेकिन वीडियो नहीं बनाई हुई है। तो चलिए अभी ऐसे इंजन खोलते हैं फिर देखाता हूँ। ये यहाँ तक हमने पूरा खोल चुके हैं, क्लच वगैरह भी खोल दिया था। तो क्लच खोला था तो देखा था बहुत सारा पानी निकला था। ये जो कि वाटर पंप ये होती है इसकी, और ये वाटर पंप के अंदर एक तो बाहर सील होती है, एक अंदर से सील होती है। तो अंदर वाली सील के लिए इंजन खोलना पड़ता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें ख़राब क्या हुआ है, इसका पिस्टन वगैरह, हेड वॉल वगैरह, क्रैंक वगैरह, बैरिंग, इंजन के बैरिंग, क्लच पैड तो ख़त्म ही हो गई है। तो क्लच पैड तो नहीं डालनी पड़ेगी। अब पैकिंग किट वगैरह सब कुछ नया डलेगा, इंजन ऑयल, कूलेंट भी इसका नया डलेगा। तो एक बार हम इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। चलिए जरा पहले सबसे पहले इसका इंजन उतारना पड़ेगा हमारे को। तो चलिए जरा मैं खोलता हूँ फिर मिल दिखाता हूँ आपको। छोटी ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगा, बट खोलते हुए हल्का फुल्का दिखा दूँगा आपको। तो चलिए गाइस खोलते हैं। देखिए हमने इसका देखा, अभी पैडलॉक पर बाइक खड़ी खड़ी है। तो देखिए इसमें से कैसे ऑयल निकल रहा है इसका, और इंजन ऑयल पूरा पानी मिक्स हो रखा है। देखिए ये देखिए पूरा पानी है, ये ऑयल तो है नहीं, पानी हो रखा है पूरा। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। देखिए हमारा हेड खुल चुका है, देखिए सारे में ये देखिए सारा पानी है, पानी भरा पड़ा है इसमें, सारे ऑयल और पानी दोनों मिक्स हो गया। तो गाइस देखिए ये हो गया इसका कुछ, ये पिस्टन हो गया। अब इसका हम पिस्टन निकालते हैं। तो गाइस सिलेंडर तो मैंने निकाल लिया, देखिए तो देखिए गाइस हमने कुछ खोल दिया इसका सिलेंडर, पिस्टन खिड़की का खोल दिया। देखिए ये पिस्टन है जो, ये देखिए पिस्टन इसमें सीज मारा हुआ है, रिंग ये जो रिंग है घूम ही नहीं रही। तो चलिए जरा आप खोलते हैं। तो देखिए हमने क्लच खोल दिया इसका, क्लच खोलते हुए दिखाया। देखिए क्लच पेट देखिए कैसे चिपकी पड़ी है, देखिए इसमें ऑयल ही नहीं था, देखिए ऑयल पानी में चल के देखिए कैसे जंग लगा पड़ा, ड्राई क्लच हो गया बिल्कुल। बेसिकली गाड़ी क्या था ना, ये 2 साल से खड़ी थी, कम से कम 2-2.5 साल से खड़ी थी। तो इसमें पानी हमारी पहले भी वाटर पंप की सील थी, लीक थी तो पानी जाता ही था। तो अब ये देखिए ये क्लच का हब हो गया, ये क्लच का सेंटर हो गया, ये देखिए ख़त्म पड़ा है। और ये क्लच पेड़ देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है, चिपकी कैसे कैसे चिपकी हुई देखिए ज़रा, ये बिल्कुल ये देखिए ड्राई क्लच पेड़ हो गया। चलिए वेट कर खोलते हैं फिर। देखिए खोल दिया आपने, ये देखिए कैसे जंग लगा पड़ा है इसमें, देखिए पानी कैसे, देखिए ये मैग्नेट कवर भी खोल दिया इसका। अब ये देखिए कैसे मैग्नेट में जंग लगा पड़ा पूरा बहुत बुरे तरीके से, देखिए ये देखिए कैसे जंग लगा हुआ है, देखिए क्या निकल रहा है जंग सारा। चलिए मैग्नेट वगैरह निकाल लेते हैं फिर इंजन खोलते हैं फिर मिलते हैं। ये हमने अभी खोला है, इसमें देखिए कितना पानी लग गया, बिल्कुल जंग लग गया है बिल्कुल। देखिए ये देखिए ये जो कूलेंट ना, कूलेंट इसमें सड़ गया बिल्कुल, ये देखिए कैसे जाम हो गया, पत्थर की तरह बन गया बिल्कुल। दोस्तों देखिए हमने इसका इंजन ओपन कर दिया है, और देखिए कितना गंदा हो रखा है, देखिए कितना सारा गंदा है ये देखिए। और ये देखिए ये डाबल इतनी गंदी तरीके से जाम था। देखिए ये होगी इसकी क्रैंक,
ये होती है, और ये इसका वेट है वाटर पंप का, और ये वाली सील लीक होती है तो पानी जाता है। देखिए यहाँ से जो ये सब देख रहे हैं कितना गंदा, ये चीज़ तो दिखाया था मैंने पहले आपको। और ये होता है इसका गियर बॉक्स। तो गाइस अब इसको धोएंगे धाएंगे फिट करेंगे, धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेंगे, और जो हमारा सामान नेक्स्ट नया डलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो इसका पार्ट टू आएगा, जो कि उसमें इंजन रिस्टोर करेंगे, इसका मतलब जो रिपेयर करेंगे पूरा, तो डालूंगा फिर दिखाऊंगा आपको। चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।